हेलो गाइस, जैसा कि आप मेरा एक्वेरियम देख रहे हैं, यहाँ पर एक एंजल फिश है गाइस। देखिए ये जो एंजल फिश है गाइस, ये अपने एग्रेसिव नेचर के लिए जाना जाता है, एग्रेसिव बिहेवियर के लिए जाना जाता है। और ये जो फिश है गाइस, ये फिन निपर फिश होते हैं, यानी मछलियों के जो पूछ होते हैं फिन निप करते हैं गाइस। पर ये जो मेरे एक्वेरियम में लगभग 15-20 दिन से है और किसी भी फिश को नुकसान नहीं पहुँचाया है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है गाइस कि एग्रेसिव नेचर होने के बावजूद और फिन निप करने के बावजूद किसी भी फिशेस को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है? क्योंकि मेरे एक जान पहचान वाले ने एक एंजल फिश रखे थे, तो लगभग उसके बहुत सारे फिशेस को मार दिया था फिन निप करके। पर मेरे एक्वेरियम ऐसा नहीं कर रहा है गाइस। तो देखिए इसके पीछे का रीजन क्या है। जैसा कि आप शेर को शिकार करने वाले जानवर माना जाता है कि वो हंटर होते हैं शेर, पर अगर शेर का पेट भरा हुआ रहे गाइस और उसके बगल से आप गुजर भी जाए तो आपको हो सकता है नुकसान ना पहुंचाए। तो कोई किसी को नुकसान अगर पहुंचा रहा है गाइस, तो बिना किसी कारण का नहीं पहुंचाता है। हर चीज़ के पीछे कुछ कारण होता है। तो फिशेस जो है, ज़्यादातर दूसरे फिशेस को तब नुकसान पहुंचाती है क्योंकि जब इसके पीछे कुछ रीजन होता है तभी नुकसान पहुंचाती है। तो पहला रीजन हो सकता है कि जब मेटिंग करता है, जैसे मेल मेल आपस में झगड़ लेते हैं मेटिंग करते के समय, क्योंकि फीमेल अगर एंजल फिश कम है और मेल फिश ज़्यादा है, तो इस मामले में वो लोग अटैक करता है। फिर खाने के मामले में, अगर फूड आप दे दें तो फूड के मामले में अटैक करता है। फिर उसके बाद होता है फीडिंग बैटल, यानी अगर कोई बड़ी मछलियाँ हैं और कोई मछलियाँ छोटी है तो उसे प्रे की तरह देखता है, शिकार की तरह, तो इस अवस्था में अटैक करता है। या फिर कभी जगह का कमी हो जाए गाइस, जब स्पेस का कमी हो जाए तो टेरिटोरियल बिहेवियर के कारण अटैक करता है। या फिर कभी ओवर क्राउड हो जाए, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड हो जाए, तब फिश जो है दूसरे फिश को अटैक करता है। या फिर पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो, सही पैरामीटर नहीं हो, तब फिशेस अटैक करता है। ये 4-5-6 रीजन है गाइस, 5-6 रीजन है जिस कारण फिशेस जो है दूसरे पे अटैक करता है। तो ये जो एंजल फिश है गाइस, इसके लिए ये स्पेस बहुत काफ़ी है, इसी कारण से ये अपना कोई एग्रेसिव बिहेवियर नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी स्पेस है और लगभग अच्छा खासा स्पेस है। तो अगर आपको मेरे बात पे यकीन नहीं हो रहा गाइस, तो मैं किसी छोटे से टैंक में इस एंजल फिश को डालकर दिखाऊंगा, तब दिखाऊंगा कि यही एंजल फिश जो कि अभी बहुत ही साइलेंट मोड में है, और तब वो एग्रेसिव हो जाएगा जब स्पेस छोटा रहेगा, तो क्योंकि उस वक्त इनके भीतर टेरिटोरियल बिहेवियर हो जाएगा, तो ये दूसरे फिश को मारने लग जाएगा। और इस टैंक में जैसे छोटे छोटे जो टाइगर बार थे गाइस, उसको भी मारने के लिए कोशिश एक दो बार किया था मैंने, नोटिस किया, पर वो टाइगर बार कभी ऊपर नीचे और इतना तेज़ी से स्विम कर रहा, तो इसको मारने का मौका भी नहीं मिल पाया। तो ये सब रीज़न होता है गाइस एक फिश का दूसरे फिश में अटैक करने का। अगर आप लार्ज स्पेस देते हैं गाइस, तो मैंने देखा है कि ऑस्कर जैसे खतरनाक फिशेस और एरवाना जैसे खतरनाक फिशेस भी अपना साइलेंट मोड में आ जाता है अगर आप स्पेस सही देते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने ये लगभग ये एक्वेरियम स्पेस ठीक ठाक है, 80 लीटर वाटर है और एंजल फिश ऐसा कुछ भी बिहेवियर नहीं दिखाया। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस, नेक्स्ट वीडियो में कोई नया अपडेट लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बाय गाइस।